नमस्ते दोस्तों, शास्त्रों की बात जाने धर्म ज्ञान के साथ। हिंदू एवं बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म में भी विभिन्न देवी एवं देवताओं को अधिष्ठायक देव देवी, यक्षिणी अथवा शासन देव, शासन देवी आदि नामों से जाना जाता है। जैन धर्म में उल्लेखित प्रत्येक 24 तीर्थंकरों के अलग अलग शासन देव और शासन देवी है। जैन आगम के अनुसार प्रत्येक तीर्थंकर के सेवक देवों के रूप में एक यक्षिणी को नियुक्त किया गया है। हरिवंश पुराण के अनुसार इन शासन देव देवियों के प्रभाव से शुभ कार्यों में बाधा डालने वाली शक्तियां समाप्त हो जाती है। जो देव देवी जिन धर्म की प्रभावना करने वाले हैं तथा शांति प्रदान करने वाले हैं, ऐसे देव देवी सम्यक दृष्टि होने के कारण पूज्य है, ऐसा जैन शास्त्र का आदेश है। ऐसे देव देवी की पूजा करने में देव मूर्ता नहीं होती, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव सदा पूज्य होता है। इसीलिए जिन मंदिर में तीर्थंकर भगवंत की प्रतिमा के दाईं ओर यक्ष की मूर्ति तथा बाईं ओर यक्षी अर्थात शासन देवी की मूर्ति रखी जाती है। यक्ष किसको कहते हैं? दैत्य, राक्षस, गंधर्व, नागराज, यक्ष ये सब मानव शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिवान होते हैं। लेकिन इनमें से जो मनुष्य के विरोध में नहीं बल्कि मदद में आए, इसको यक्ष कहते हैं। जैसे कि रावण, कुंभकर्ण राक्षस कहलाते हैं, लेकिन उसके सौतेले भाई कुबेर को यक्ष कहा गया है, जो राक्षस योनि में जन्म लेकर भी अच्छे कर्म से देवता की तरह पूज्य होते हैं, वह है यक्ष। ये तीर्थंकर भगवंत की सेवा में रहते हैं और जैन शासन की रक्षा करते हैं। 24 तीर्थंकर के 24 यक्ष और 24 यक्षिणी होती है। जैसे पार्श प्रभु के यक्ष यक्षिणी है धर्णेन्द्र देव और पद्मावती देवी, इसे शासन रक्षक कहते हैं। आज के इस वीडियो में जिन आज्ञा विरुद्ध मुझसे कुछ कहा गया हो तो मिच्छामि दुर्गा।